शांतनगर के कृषि विश्वविद्यालय में राज्यपाल का 2 दिवसीय दौरा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया है कि यहाँ की हवा, सोच, तकनीकी आदि कई चीजों में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने कार्यों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने कार्यों से ही एक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय साधारण विश्वविद्यालय नहीं है, यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। यह संस्थान सिर्फ पढ़ाई करने का ही नहीं, बल्कि इस संस्थान के माध्यम से शोध कर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। पहले दिन 12 मीटिंग्स की, 7 घंटे की जी सर, और मैंने हर एक डीन को इंडिविजुअली सुना, उनके अचीवमेंट्स को, उनकी चैलेंजेस को, उनके मिशन को, और बहुत अच्छा लगा कि बहुत बारीकी से उन्होंने अपने कॉलेजेस के बारे में बताया। और उसके बाद में वाइस चांसलर साहब ने पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। मेरा ऐसा सोच विचार है कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है। जी सर, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाए, सीड के इलाके में रेवोल्यूशन लाए, नेचुरल फार्मिंग के इलाके में लाए, और स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन लेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर में उनके लोकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन में ऐसा एक कमाल करें, ताकि उसके लिए हमको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए उन्होंने। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेशली जो गर्ल हॉस्टल हैं उसको, सिक्योरिटी को और थोड़ा पुख्ता करना पड़ेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।